फिरोजाबाद के थाना उत्तर में बीती रात्रि अज्ञात चोरों ने एक एटीएम में चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। मामला थाना उत्तर के मोहल्ला कोटा रोड का है। यहाँ बैंक ऑफ इंडिया का एक एटीएम लगा है, जहाँ बीती रात्रि चोरों ने एटीएम के रुपए चुराने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हुए। सूचना पर पुलिस पहुंची और एटीएम कंपनी के कर्मचारी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। डायल हंडर के प्रभारी विष्णु गौतम, पार्षद निहाल सिंह कुशवाहा व राजेश कुमार ने इस संबंध में क्या जानकारी दी, हम सुनवाते हैं। हैक्स न्यूज के लिए आदित्य उपाध्याय की रिपोर्ट। 100 नंबर पर सूचना मिली थी, पवन उपाध्याय था, उसी के पवन मेडिकल के नीचे एक इंडिया एटीएम का एटीएम टूट गया है। आके देखा एटीएम टूटा हुआ पड़ा है और थाना तक उत्तर महोदय मौके पर मौजूद है और विधायक कार्रवाई कर रहे हैं। और इसमें कुछ सामान वगैरह भी गया, क्या पैसे वैसे कुछ? अभी इसमें पूरा अंदाजा तो बैंक वाले एटीएम वाले उनके कर्मचारी नहीं आएंगे तब तक इसका विस्तृत जानकारी नहीं दी जा सकती कि इसमें कुछ पैसा था या नहीं था। कोटला रोड पर एटीएम का टूटने की घटना है, क्या मामला है आपका? ये प्रथम दृष्टया ये बैंकों की लापरवाही है। इसके पहले भी एक बार बहुत बड़ी नौटंकी हो चुकी है, जबकि सब मीडिया पर भी ये चल चुका था एटीएम की चोरी, लेकिन बाद में जब मालूम पड़ा कि मेंटेनेंस वाले खुला छोड़ के चले गए थे। इसी तरह से इस बार भी जो है लग रहा है, क्योंकि बैंक मैनेजर साहब बता रहे हैं कि कोई कैश हमारा नहीं आया है, मेंटेनेंस वाले फोन नहीं उठा रहे, तो इसमें जो लापरवाही हमें लग रही है कि एटीएम मेंटेनेंस विभाग तथा बैंक मैनेजर तथा बैंकों की लापरवाही से आज जो है पुलिस भी परेशान होती है, पब्लिक भी परेशान होती है। चोरी का मामला इस तरह से अभी नज़र नहीं आ रहा है, और बाकी जब बैंक मैनेजर और मेंटेनेंस वाले सामने आएंगे तब कुछ मालूम पड़ेगा कि ये क्या हुआ। राजेश है, क्या मामला है? मामला ये है कि ये इंडिया एटीएम है और रात में इसमें चोरी हो गई है। हम लोग अभी निकल के आए हैं तो देखा है कि ये टूटा हुआ पड़ा है, यहाँ पर भीड़ लगी थी तो देखा कि ये कैसे टूटा हुआ है, तो लोगों ने बताया कि रात में यहाँ चोरी हुई है और पुलिस भी मौके पर आ गई है, पत्रकार लोग आ गए हैं, बाकी भी आई थी छानबीन। क्या कुछ सामान वामान भी है इसमें से? नहीं, इस चीज़ की जानकारी हमें नहीं है क्या सामान गया से। जो एटीएम की घटना हुई है, क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि नाइट में कोहरा पड़ रहा है भाई, सब लोग अंदर सो रहे हैं, उसके बाद थोड़ा लाइटिंग व्यवस्था यहाँ लाइट नगर निगम में लाइट के लिए लिख के दिया है, लाइट ना होने के कारण मतलब पोलों पे लाइट नहीं है तो अंधेरे में भाई चोरी करने वाली चोरी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप जिस पार्टी से पार्षद हैं और वही आज मेयर भी आपका है, तो नगर निगम में ये लापरवाही फिर भी आपकी, जब आपकी नहीं चल रही तो आखिर आम आदमी की सुनवाई कहाँ होगी? नगर निगम में ऐसा है, एक्चुअल में क्या है कि पूरे यूपी में ठेका उठा हुआ, मतलब लाइटें जो चेंज हो रही है थोड़ा समय लगेगा। अरे कुछ सामान वामान भी गया हुआ है क्या एटीएम से? सामान का एटीएम में पूरा एटीएम तोड़ दिया है, वो अधिकारी लोग आएंगे देखेंगे पैसा वैसा कैसे। पुलिस मौके पर पहुंची है? हाँ, मौके पर पुलिस आ गई। कितना क्या कुछ कैश गया है कुछ पता चला? नहीं, ऐसी कोई जानकारी।